गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पंजाबन ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करीना कपूर खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक अंडर ₹20। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ₹10 का जोई का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर और इसे अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। उसके बाद लिप बाम के लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन का ₹10 वाला स्ट्रॉबेरी लिप बाम। उसके बाद मैंने लिया है स्पिन्स की बीबी क्रीम, इसका ये वाला छोटा पैक ₹10 में आपको ईजिली लोकल मार्केट से मिल जाएगा। और इसको अप्लाई करूँगी मैं अपने पूरे फेस के ऊपर, जो भी फेस की डार्कनेस है, अनइवननेस है, उसको कवर करने के लिए। और सेम अपनी आईलिड के ऊपर भी अप्लाई करके सिर्फ फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बटरी सॉफ्ट है, सो इजीली फिंगर की हेल्प से ब्लेंड हो जाती है। लेकिन मेक श्योर आप इसको अप्लाई करने से पहले अपने फेस के ऊपर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन थी, पॉन्ड्स का टेलकम पाउडर ₹10 का और जॉनसन्स बेबी का ₹15 का। मैं जॉनसन्स बेबी का टेलकम पाउडर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये बेबीज़ की स्किन के लिए बना है, तो ऑब्वियसली हमारे फेस के लिए भी सेफ होगा। सो इसी से मैं अपने अंडरआई पर बेकिंग कर लूँगी और पूरे फेस को सेट कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से। अपने फेस को सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली समर सीज़न में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है फेस पर। सो इसलिए अगर हम अपने फेस को, मेकअप बेस को सेट कर लेते हैं तो हमें एक मैटिफाइंग लुक मिल जाता है और उसके साथ ही स्वेट प्रूफ भी हो जाता है हमारा मेकअप। उसके बाद मैं अपने ब्रोज को फिल इन करूँगी ₹10 की ADS की ब्रो पेंसिल के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं इसको डेली बेस पर भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करती है हमारे ब्रोज को, एकदम नेचुरल सा फिनिश देती है। लेकिन अगर आपको ब्रोज फिल करना आता है तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने स्पूली से अपने ब्रोज को सेट कर लिया था। उसके बाद आई शेडो के लिए मेरे पास है ये ₹20 वाली लिपस्टिक और इसको अप्लाई करूँगी अपने पूरे आईलिड के ऊपर और इसमें मिक्स कर रही हूँ ब्लैक काजल। ये ₹10 का काजल है, मुझे लोकल मार्केट से मिल गया था क्योंकि मुझे एक ब्राउन आई शेडो चाहिए थी। सो इसलिए जब हम रेड और ब्लैक को मिक्स करते हैं तो एक ब्राउन कलर बन जाता है और इसको मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम गया था लेकिन यस, फाइनली अच्छे से ब्लेंड हो गया था। सो आप देख सकते हैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने लिपस्टिक या काजल को मिक्स किया है। उसके बाद आईलाइनर के लिए मैंने लिया है ये ADS का ₹20 वाला काजल और इसको अप्लाई करूँगी अपने पूरे आईलिड के ऊपर और वाटर लाइन पर क्योंकि मुझे एक स्मोकी इफेक्ट चाहिए था। सो इसको अप्लाई करने के बाद मैं एक स्पंज टिप एप्लीकेटर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि करीना कपूर खान ने भी जो भी आईलाइनर और काजल अप्लाई किया है उसको अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है। सो सेम मैं भी इस एप्लीकेटर की हेल्प से इसको हल्का हल्का स्मज आउट कर लूँगी ताकि एक स्मोकी लुक आ सके। और गाइज, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप भी वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें क्योंकि हो सकता है ये थोड़े चीप प्रोडक्ट हैं और हर किसी की स्किन को सूट ना करे। सो इसलिए ये एक मेकअप चैलेंज वीडियो है, मुझे ये वाला चैलेंज कंप्लीट करना था मेकअप अंडर ₹20। सो इसलिए मैं ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने लैशेज को कर्ल कर लूँगी। देन मस्कारा तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर ली थी जो मुझे ₹20 में मिल गई थी लोकल मार्केट से। उसके बाद ब्लश के लिए मैंने सेम लिपस्टिक ली है ₹20 वाली और मैं अपने फेस को कंटूर नहीं करूंगी, सिर्फ ब्लश ही अप्लाई करूंगी और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लश को ब्लेंड कर लूंगी ताकि काफ़ी अच्छा लुक आ जाए। और यस, मैं इस मेकअप लुक में टूल्स इंक्लूड नहीं कर रही हूं क्योंकि ऑब्वियसली यार ₹20 के अंडर हमें कोई भी मेकअप टूल नहीं मिलेगा। सो इसलिए टूल्स इंक्लूड नहीं है और मैं यहाँ पर बेकिंग कर रही हूँ अपनी जो लाइन पर ताकि एक कंटूरिंग वाला लुक आ जाए क्योंकि मैं कंटूरिंग नहीं कर रही हूँ और इसलिए मैं सिर्फ एक टेलकम पाउडर की हेल्प से इस तरह से बेकिंग कर रही हूँ अपनी जो लाइन पर। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने ली है ये ₹5 वाली वैजलिन और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हाइलाइटर का। आप इसको एज ए हाइलाइटर डेली बेस पर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन समर सीज़न में नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। आप विंटर सीजन में इसको एज ए हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो आप देख रहे हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है ये मी नाउ के ट्रू लिप कलर में से ये वाला न्यूड शेड। इसका मैंने इकट्ठा पैक बाय किया था, सो सिंगल कलर मुझे ₹15 में पड़ गया था। सो इसी को ही अप्लाई करूंगी क्योंकि करीना कपूर खान ने भी न्यूड लिपस्टिक अप्लाई की है। सो मेरे पास कुछ ऐसी लिपस्टिक नहीं थी, सो मैं लिप लाइनर से ही अपने पूरे लिप्स को भी अच्छे से फिल इन करूंगी। सो आप देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल लुक और बस मैं आ गई तैयार होके। सो फ्रेंड्स, नेक पीस मैंने कुछ इस तरह का पहना है, जंक नेक पीस ऑक्सीडाइज, क्योंकि जो करीना कपूर खान ने पहना था वैसा मेरे पास नहीं था। सो मुझे ये वाला एक उसके ऑल्टरनेट में लगा कि हाँ मैं इसको वेयर कर सकती हूँ। सो यस, ये है मेरा फाइनल
लुक करीना कपूर खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक अंडर रुपीज 20। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वाला इंस्पायर्ड मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।